हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। इस सेशन में आज हम क्लास नाइन्थ की एक न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है मोमेंट्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। यहाँ पर हम चैप्टर के नाम से समझ सकते हैं ये एक बच्चे की स्टोरी है जो अपने पेरेंट्स के साथ कार्निवाल्स में जाता है, जिसे हम मेला कहते हैं। तो इस तरह से वो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है। चैप्टर का जो नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, उसे हमें पता चलता है कि जो बच्चा है वो खोने वाला है। वो क्या करता है, क्या होता है, वो कैसे खो जाता है, वो आज हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। सो स्टोरी की स्टार्टिंग बताई गई है। स्प्रिंग सीजन है और वहाँ पर एक मेला लगा है। ये जो बॉय है वो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जा रहा है। मेला बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है और बच्चा इधर उधर हर जगह देखता हुआ जा रहा है, सबको देखता हुआ जा रहा है और बहुत खुश हो रहा है। तो सबसे पहले उस बच्चे को एक टॉय शॉप दिख जाती है, तो बच्चा जिद करता है खिलौने के लिए। तो उसके फादर जो हैं उसको गुस्से से देखते हैं। और कभी कभी होता है ना, पेरेंट्स हमें डायरेक्टली मना नहीं करते हैं, बट गुस्से से देखते हैं तो हम समझ जाते हैं। तो उस बच्चे को भी पता चल जाता है कि ये तो नहीं दिलाएंगे। देन उसकी मम्मा उसका माइंड डाइवर्ट करती है। उसकी मम्मा उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए खेत दिखाती है। तो वहाँ पर सरसों का खेत होता है, जहाँ पर बहुत सारे भंवरे और तितलियाँ होती हैं। अब बच्चा वो देखते ही अट्रैक्ट होता है और वो उस तरफ भागता है और तितलियों के पास जाता है। उतने में उसके मम्मी पापा उसे कहते हैं, चलो चलो आगे चलते हैं। और जब वो आता है तो वो फुटपाथ पर चलना स्टार्ट करता है और उस पाथ पर बहुत भीड़ होना शुरू हो गई होती है। इधर से भी लोग आ रहे हैं, उधर से भी लोग आ रहे हैं, तो हर जगह से लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो इस तरह वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और वो इस तरह आगे को चलते हैं। तो इस तरह गांव पर पहुँचते हैं। सबसे पहले उसको एक स्वीट की शॉप दिखती है, तो वो स्वीट खाने का मन करता है। तो फिर वो उसके मॉम डैड को बोलता है, फिर वो आगे जाता है। तो उसको फ्लावर्स की शॉप मिलती है, जहाँ पर मालाएं बन रही होती है फ्लावर्स की, बहुत प्यारी प्यारी। तो वो सोचता है, मुझे भी ऐसी एक माला लेनी है। तो फिर बाद में वो सोचता है, अगर मैंने अब ये कहा कि मुझे माला लेनी है तो वो कहेंगे ये तो बेकार की चीज़ है, इसका क्या करोगे। तो इस तरह वो बॉय बस बोल के उनका बिना आंसर सुने ही आगे बढ़ जाता है। और अब जब वो आगे जाता है तो अब उसे रंग बिरंगे बलून वाला दिखता है। तो वो फिर सोचता है, बलून ले लूँ, ऐसे फिर वो आगे बढ़ जाता है। अब बीच बीच में उसके मम्मी पापा उसको बोलते हैं, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे हो, उसका हाथ पकड़ते हैं। उस बीच में वो उसे आवाज़ देते हैं, वो उनके पास आ जाता है। अब तक उसके पेरेंट्स उसके साथ ही हैं। अब वो आगे जाता है तो उसे स्नेक चार्मर दिखता है। स्नेक चार्मर आपने देखा होगा, आजकल तो कम हो गए हैं, बट पहले गलियों में या पहले जो मेले होते थे वहाँ पर स्नेक चार्मर बैठा रहता था और बीन बजाते रहता था। उसके बीन बजाने पर स्नेक बाहर आता था और फिर अंदर चला जाता था। तो अब बीन की जो आवाज़ है उसको सुन के बच्चे को वो आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। उसको वो बच्चा सुनने लगता है। देन उसको याद आ जाता है, उसको उसकी मम्मा ने कहा था, कह रखा है, ये बेकार आवाज़ है, इसको नहीं सुनते, इन पर इतना ध्यान नहीं देते। तो वो चुपचाप आगे चला जाता है। तो जब वो आगे बढ़ता है, सब कुछ इंजॉय करता है, एक्साइटमेंट में वो सब इन्जॉय करता है। तो बच्चा एक्साइटमेंट में है। अब वो आगे जाता है तो उसको झूला दिखता है।
अब वो सोचता है कि झूला तो झूलना ही है, मगर फिर से कोई आंसर नहीं आता, ना मम्मी का ना पापा का कोई जवाब नहीं आता है। तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई भी नहीं होता, ना मम्मी ना पापा दिखाई देते हैं। तो बच्चा अब यहाँ पर खो चुका है, बच्चा खो चुका है, मम्मा पापा उसके नहीं मिलते हैं। वो हर तरफ देखता है, नज़र घुमाता है, आगे पीछे इधर उधर। तब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, मम्मा पापा, उनको ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगता है। तो वो बस शोर मचाता रहता है, इधर उधर भागता है, भागने लगता है। इसकी वजह से उसके क्लोथ कपड़े मेले हो जाते हैं, उसकी टर्बन भी खुल जाती है। एंड देन सडनली वहाँ एक आदमी आता है, वो देखता है कि बच्चा इतना रो रहा है, तो वो उसे उठा के अपनी गोदी में ले लेता है। वो उसे पूछता है, क्या हुआ तुमको, उससे बात करने की कोशिश करता है, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं, तुम किसको ढूंढ रहे हो। तो वो बच्चा कुछ जवाब नहीं देता है, सिर्फ रोता रहता है। अब क्या होता है, जो आदमी होता है जिसने बच्चे को गोदी में उठाया रहता है, वो बच्चे को बच्चे से बात करने की कोशिश करता है और बच्चे के मन बहलाने के लिए वो कहता है, स्नेक चार्मर की आवाज़ कितनी प्यारी है। तो बच्चा अपने दोनों कानों पे हाथ रख लेता है और कहता है, मुझे नहीं सुनना कुछ भी, और रोता जाता है और मम्मा पापा बोलता जाता है। फिर वो उसको आगे ले लेता जाता है और वहाँ पर बलून वाला होता है, तो वो कहता है, तुम बलून ले लो, देखो कितने कलरफुल बलून हैं, कितने अच्छे बलून हैं। बच्चा फिर भी रोता रहता है और कहता है, मुझे मम्मी पापा ही चाहिए। सो इस तरह से वो स्वीट की शॉप पर आता है, फ्लावर्स की शॉप पर आता है, लेकिन अब जो बच्चा है उसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो बस रोता रहता है, वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है। सो अब देखो ये स्टोरी का जो एंड है ना, वो यहीं हो जाएगा। वो आदमी बच्चे से पूछता रहेगा चीज़ें और बच्चा मना कर देगा। इस स्टोरी में पूरा क्लियरेंस नहीं बताया गया है और नहीं दिखाया गया है कि जो बच्चा है उसको पेरेंट्स मिले या नहीं, लेकिन इस स्टोरी से हमें कुछ सीखने को मिला है, और ये है, उसको ये सब चीज़ों का मन था, लेकिन जब पेरेंट्स खो गए तो उसका मन नहीं होता है कुछ भी लेने को, उसे बस अपने पेरेंट्स चाहिए होते हैं। तो बेसिकली स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि हम कितने भी चीज़ों की इच्छा कर पाएँ या फिर कर लें, मगर अपने पेरेंट्स से बढ़कर कुछ नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।